सक्षम युवा योजना का विस्तार, शिक्षित युवा, सम्मानित युवा, 10+2 प्रार्थियों के लिए पंजीकरण खोल दिया गया है। पहले यह पंजीकरण ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए ही था, अब 10+2 विद्यार्थी बीच में आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रार्थी हरियाणा सरकार का निवासी होना चाहिए, यानी उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड, आवेदन करने वाला किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार पर नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर थर्ड, रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में रजिस्टर होना चाहिए। कंडीशन नंबर थर्ड, 10+2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी अपना आवेदन कर रहा है उसे रेगुलर पढ़ाई की होनी चाहिए, यानी 10+2 के लिए आवेदन कर रहे हो तो 10+2 रेगुलर स्ट्रीम होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और 10+2 के लिए 18 से 35 वर्ष की एज कंडीशन है, उसे 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 10+2 विद्यार्थियों के लिए बेरोजगारी भत्ता 900 रुपये और मानदेय 6,000 रुपये मिलते हैं, टोटल 6,900 रुपये मिलते हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 6,000 रुपये मानदेय भत्ता, कुल 7,500 रुपये मिलते हैं। एज कंडीशन है ग्रेजुएशन के लिए 21 से 35 वर्ष तक, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है 3,000 रुपये भत्ता और 6,000 रुपये मानदेय, टोटल 9,000 रुपये। इसमें आवेदन करने वाले सभी रेगुलर किए हुए होने चाहिए, कोई भी डिस्टेंस या ओपन से पढ़ाई नहीं की होनी चाहिए। आवेदन करने की साइट है www.hrex.gov.in। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी रोजगार कार्यालय अधिकारी से संपर्क करें। धनराजा लावत यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।